मैं जसकौर जी से इस पूरे आम सभा में मांग करता हूं, तो जेब से तो दे नहीं रहे, सांसद कोटे का पैसा है, दे देगी 1 करोड़, तो मैं भी दे दूंगा 10-20-25-50 लाख मेरे कोटे से। हक बनता है मांगने का, वो पैसा मैं मांग रहा हूं। और मैंने यहां एक बात और आई, फेसबुक पर कुछ फेसबुक पर डाल रहे हैं, डॉक्टर किरदार को निकाल दो हाईकोर्ट से, कब्जा कर लो, एक पैसा दिया नहीं, हिसाब मांग रहे, एक पैसा नहीं दिया। मैं सारा पैसा कहां से लाया हूं, जब इसका जीर्ण वो होगा, वो अपना मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और इस पूरी कुछ का उद्घाटन, तो एक एक पैसा कहां से लाया हूं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज बताना ठीक नहीं। 14 करोड़ मैं लाया है, कुछ मेरे पास भी दिए, ज्यादा तो नहीं थे लेकिन दे दिए, गोलमा से पूछ के दिए तो लड़ नहीं मरे। पर समाज की तरफ से अभी हमने एक पैसा नहीं दिया, ये 2-4 हमारे जैसे पन्ना राम जी हैं, दीपक जी हैं, ऐसे 5-6 नाम गए, इसकी तुलना में दूसरे समाज के भाइयों ने जो अत्युत सहयोग किया है उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन फिर भी कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, उनकी राजा ने परवाह करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, कहते हैं हाथी के पीछे वो कह रहे हैं है? तो मेरे पास पीछे बहुत भौंकते रहे, भौंकते रहे, ठीक है आ जाऊंगा। कुछ लोग मेरे को गाली देने से ही चिंते हैं, तो हम कितनी कोशिश कर रहे हो, रुकने वाले नहीं है, वो देंगे और यहां तक देंगे कि दो एमएलए साहबान ने बहुत बार सपोर्ट करे, मेरे खिलाफ बलात्कार लगा दिया, 10 लाख रुपए मुरारी लाल जी ने दिया, 35 लाख एक मुस्लिम सांसद से लेके आया था, 10-1 लाख मैंने भी दिए, 5 करोड़ या वसुंधरा जी ने दिए थे पिछली सरकार में, और मोदी जी मेरे को काम में कह गए थे उस दिन कि अरे जगह बहुत अच्छी है डॉक्टर साहब, उसको विकसित करो, हालांकि आपने हमारा कबाड़ा कर दिया, किरोड़ी लाल की जगह मुरारी लाल को ठोक दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तो मैं मोदी जी को मिला था आज से 5 महीने पहले, मैंने कहा आप कह के आए थे हमको पैसा दो, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गडकरी जी का कि उन्होंने 5.5 करोड़ की 4 लेन रोड नांगल में होकर निकाली है। अब मैंने एक प्रधानमंत्री से गडकरी जी से कहा है कि इस मीना हाईकोर्ट को सीधा दिल्ली मुंबई के उस पर चढ़ा दो, इसकी सड़क को, हाँ तो करेंगे, और एक ऐसी स्कूल दिल्ली की यहां पर खोलो जिसमें हमारे बच्चे बच्चियां वो शिक्षा ग्रहण कर सके जो सेंट जेवियर में की जाती है, तो उसके लिए 36 करोड़ रुपए की सेंक्शन की फाइल चल रही है, आवासीय विद्यालय यहां पर खुलेगा। कॉलेज राज्य सरकार ने दे दी, मैं खटाना जी का और मुरालाल जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं, अब हमारे जसकौर जी मुरालाल जी की बुआ लगती है, कोर्ट अदालत का पुलिस का अफसरों का सम्मान हमारे दिलो दिमाग में रहना चाहिए, लेकिन हमारा दिमाग में यह भी रहना चाहिए चाहे कोई कितनी बड़ी ताकत क्यों नहीं हो, हमारे पंच पटेल समाज का अपमान करेगा उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बल्लिया चढ़ना पड़े, आमागढ़ का किला घुसना पड़े, घुसेंगे और हमारा मान सम्मान हम जिंदा रखेंगे, इसलिए मेरा हाईकोर्ट नाम रखा है। अब मीणा समाज का जो हाईकोर्ट है इसमें क्या क्या हो रहा है आपने देख लिया होगा, एक हताई पड़ रही है, 2.25 करोड़ की हताई आज तक शायद कहीं और की नहीं होगी, था ही जिसको कहते हैं, दरवाजा आपने देखा ये 1.5-2 करोड़ का है,
और 10 करोड़ का बड़ा हॉल, गेस्ट हाउस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, स्किल डेवलपमेंट केंद्र, कंप्यूटर सेंटर, मंदिर बगल में बन रहा, उधर रेस्टोरेंट बनाएंगे, यहां स्विमिंग पूल है, खूब नहाना कूदना, लेकिन गड़बड़ मत करना, क्योंकि आपने अनुशासन नहीं है आपके जीवन। इसलिए जो बर्थडे बना के जाते हैं उसके बाद हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग कहते हैं कि आप बर्थडे बंद करो। ये तो फैसला हमारे लल्लूलाल जी जो अध्यक्ष बने, 5 लोगों की कमेटी बनेगी, वो करेगी किसको क्या कार्यक्रम देना। सुन लो, ये सब समाज के लिए, केवल मीणों के लिए नहीं है और केवल मोदी जी के लिए नहीं है। मैं खटाना जी, मुरारीलाल जी, जोहरीलाल जी को कहना चाहूंगा, आप या प्रियंका जी को बुलाओ, सोनिया को बुलाओ, राहुल जी को बुलाओ, आप बुलाओ, में सफाई हम करेंगे सबके लिए। 36 कौन, कोई ब्राह्मण आवे, जात आए, कोई किसी जात का आए, मुसलमान आए, हिंदू आए, सबके लिए समर्पित है। ये तो वैसे ही नाम मेरा हाईकोर्ट पड़ गया,